तो हाय गाइस, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारा और आपका अपना चैनल कुछ नया करें में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में कियोस्क के माध्यम से खाता कैसे खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सब सेटिंग सबसे पहले करा लीजिएगा ये, और यदि आप फर्स्ट टाइम आईडी लिए हैं तो अपना पासवर्ड रिसेट करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद किस प्रकार से खाता खोला जाता है पूरा सेटअप बाय सेटअप आपको दिखाते हैं। आप अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पर कैप्चा फिल करके यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लॉगिन में क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पॉपअप आएगा जिसको आपको ओके ओके करते जाना है। याद रखें, किसी को भी क्लोज नहीं करेंगे, सबको ओके ही करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओके, फिर आप अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे यहाँ पर। जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी फिंगरप्रिंट को यहाँ पर लगाना है, फिर और पॉपकॉर्न आएगा थोड़ा बहुत, उसको सबको ओके ओके करते जाना है। जैसे ओके करेंगे इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये उसका डैशबोर्ड होता है। यहाँ पर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सबको से लोन डिपार्टमेंट, कस्टमर लॉगिन, रिपोर्ट कार्ड और पासबुक इशू एपीएस कर सकते हैं, एजेंट रिपोर्ट देख सकते हैं, खाता से अपना पासबुक का पूरा देख सकते हैं डिटेल्स, यहाँ पर अपना नया अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो आज हम आपको अकाउंट ओपनिंग करना बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लास्ट हम चले जाएगा कस्टमर क्रिएशन में। यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हैं कस्टमर ऑथराइजेशन, कस्टमर क्रिएशन, कंटिन्यू कस्टमर्स और ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। यहाँ पर आईडी कार्ड यहाँ पर निकाल सकते हैं और फॉर्म का अपना प्रिंट निकाल सकते हैं जो खाता ओपन किया उसका फॉर्म का। तो हम दूसरे नंबर सेटअप में जाएंगे कस्टमर क्रिएशन में, तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू यूजर करेंगे और यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम और लास्ट नाम आप वही नाम टाइप करेंगे जो यहाँ पर आपके आधार कार्ड में दिया हो। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर एपी में क्लिक करेंगे। एपी में क्लिक करने के बाद इस प्रकार फिंगरप्रिंट लेना है आपको आपके कस्टमर का जो खाता खुलवाने आपके पास आया है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड का अंगूठा आपको लेना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अंगूठा यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैप्चर करेंगे। फिर यहाँ पर कंटिन्यू, फिर उसके बाद वाला उंगली, ठीक है, फिर बाद वाला उंगली क्लिक करके यहाँ पर कैप्चर में फिल करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दो हैंड दो फिंगर सक्सेसफुल, यहाँ पर फिर कंटिन्यू, फिर उसके बीच वाले लेफ्ट का, फिर यहाँ पर कैप्चर में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं तीन फिंगर सक्सेसफुल दिखा रहा है, फिर यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद राइट हैंड के अंगूठे का यहाँ पर लेना है, फिर कैप्चर में क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू, फिर उसके बाद वाला उंगली, फिर यहाँ पर कैप्चर, फिर यहाँ पर कंटिन्यू, फिर यहाँ पर बीच वाला यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर कैप्चर में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट का तीन फिंगर और राइट का तीन फिंगर सक्सेसफुल दिखा रहा है, फिर हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको सभी में L1 है तो आपको सबको अलग अलग करना है, तो इसको मैं L2 कर देता हूँ और इसको राइट हैंड का थंब कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर कंप्लीट में क्लिक करेंगे, फिर एक सक्सेसफुल का पॉपअप आएगा, फिर इसको ओके करना है। फिर यहाँ पर कस्टमर डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, ATM डिटेल्स और उसका एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर है, मिसेस है, मिस है या फिर लड़की है। ठीक है, तो हाँ मिस्टर है तो यहाँ पर मिस्टर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसका एड्रेस टाइप कर देंगे, आपके कस्टमर का एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जो है यहाँ पर आपके सिटी में यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको आपके पिन कोड का केवल 3 वर्ड ही यूज करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते और यहाँ पर पूरा पिन कोड यूज करेंगे और उसके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर यहाँ पर फ़ोन नंबर होगा तो मोबाइल नंबर होगा तो डाल देंगे और यहाँ पर अब सैलरी है कि डेली सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर उसका आईडी प्रूफ क्या दे रहा है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर इलेक्शन आईडी कार्ड को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको हिंदू सेलेक्ट कर लेना है, कास्ट आपको कास्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो भी कास्ट होगा यहाँ पर, यदि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो फॉर्म
यदि वह केवल खेती या कृषि में कार्य करता है तो 60, और यदि अदर सर्विस का आवाक है तो 61 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ में आप जो भी आपके पास हो वो डाल देंगे, लेकिन संभवतः आधार डालिएगा, क्योंकि आधार कॉमन होता है, सबके पास होता है, तो आप यहाँ पर आधार ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैरिड एंड मैरिड स्टेटस जो भी है, मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल डाल देंगे। यहाँ पर फादर्स नेम, फिर यहाँ पर उसका मदर्स नेम, फिर यहाँ पर मदर्स का आधार नंबर है तो डाल देंगे, नहीं है तो जो स्टार मार्क है उसको भरना अनिवार्य, इतना आप ख्याल रखेंगे। आप यहाँ नीचे सबमिट नहीं कर सकते, आपको चारों कॉलम को फिल करना है। तो चलिए हमारा कस्टमर डिटेल्स कंप्लीट है, हम नॉमिनी डिटेल्स में चलते हैं। यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स में नॉमिनी रखना चाहते हैं यस, नहीं तो फिर नो। हम रखना चाहते थे यहाँ पर यस कर देंगे, और यहाँ पर नॉमिनी का नाम टाइप कर देंगे, फिर यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस, फिर उसका रिलेशन जो भी यहाँ पर रिलेशन टाइप कर लेंगे, और नॉमिनी का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। यदि नॉमिनी की उम्र 18 साल से कम है, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर 18 से कम है तो एक और गार्डियन उसका लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम एक और यहाँ पर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर यदि आप नॉमिनी का नाम पासबुक में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यस, नहीं तो फिर नो कर देंगे। फिर यहाँ पर एटीएम डिटेल्स, क्या वह गाड़ी एटीएम लेना चाहते हैं, यस। और यहाँ पर उसका फुल एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप करना है, तो जैसे यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका है इस ग्रह का सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करते ही खुलता जाएगा, तो यहाँ से आप अपना चॉइस कर लेंगे। और यहाँ पर उसका विलेज का नाम यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। याद रहे फोटो का साइज केवल 1 KB से लेकर लेस देन 10 KB हो सकता है। मैं स्कैन करने के लिए एप्सन प्रिंटर का उपयोग करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं DPI को यहाँ पर 50 सेलेक्ट किया हूँ, फिर यहाँ पर प्रीव्यू किया हूँ, फिर इसको स्कैन कर रहा हूँ। स्कैन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर जहाँ भी रखना चाहते हैं रख लेंगे, फिर यहाँ पर ओके कर देंगे। तो चलिए यहाँ से ब्राउजर में क्लिक करके हम उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं जो फोटो अभी स्कैन किए हैं। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करते ही इसको यहाँ पर हमको कन्फर्म में क्लिक करना है। जैसे कंफर्म कर लेते हैं, हमको यहाँ पर एक पावती यहाँ पर रेफरेंस नंबर दे दिया जाता है, रेफरेंस नंबर को प्रिंट करके ग्राहक को देना है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ से उसका जो नंबर है यहाँ पर देख लेंगे। अब आपको हितग्राही के रेफरेंस नंबर से आपको उसके फॉर्म को प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से हम जाएंगे। यदि आप खाता खोल रहे हैं बीच में कभी फेल्ड हो जाता है, तो यहाँ आप कंटिन्यू कस्टमर केयर में जा करके रेफरेंस नंबर डाल करके उसको कंटिन्यू फिर से कर सकते हैं। होने के बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आता है सबसे नीचे, प्रिंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जाना है और उसका यहाँ पर रेफरेंस नंबर है आपको डालना है। रेफरेंस नंबर डालने के बाद सबमिट में क्लिक करेंगे, इस प्रकार से फॉर्म आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर, तो उसको आपको Ctrl+P दबा करके उसको आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है, तो जितने फॉर्मेलिटीज हमें सिग्नेचर करा करके इसको आपको लेके कहाँ आपके ब्रांच में सबमिट करना होता है। जैसे आप वहाँ पर सबमिट करेंगे वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद आप चले आएंगे यहाँ पर पासबुक इशू कार्ड में, इसमें आईडी कार्ड जनरेट में, तो यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर डाल करके अपने हितग्राही को एक, मैं आपको जो मेरा हो चुका है उसको आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से वह यहाँ, जैसे मैं एक हितग्राही का यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से, इस प्रकार से आ जाता है, इसको आपको प्रिंट करके देना होता है। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आईडी कार्ड इस प्रकार से दे सकते हैं प्रिंट करके, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।